हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। मैं आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, दुलार देते रहें और मैं आपको नए नए वीडियो आपके बनाते रहूँ। और मैं नए तरह का मैंने ये पत्ता बताया है, ये पत्ता नंबर 5 है और मैंने पत्ता नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने बना चुकी हूँ। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और ये दूसरे तरह का मैंने ये पत्ता बताया है, इसे किसी भी फ्लावर्स में आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पास ये फ्लावर्स है, तो इस फ्लावर्स में इस तरह से कर करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फ्लावर्स बना के चारों तरफ 3 पत्ते का यूज कर सकते हैं। ये पत्ते तोरण बनाते हैं, तो घर के जब दरवाजे का तोरण बना रहे तोरण भी पत्ते का यूज करते हैं। बहुत सारा पत्ता, ये चाबी रिंग में भी आप ये यूज कर सकते हैं। बहुत तेजी तरीके से मैंने बताया है, आप प्लीज ये वीडियो पूरा देखें और देख करके ये आप बनाएं। चलिए वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पत्ता डिजाइन 5 सिखाने जा रहे हैं। पत्ता डिजाइन 1, पत्ता डिजाइन 2, पत्ता डिजाइन 3, पत्ता डिजाइन 4, मैंने 4 डिजाइन मैंने वीडियो बना चुकी हूँ और आप वीडियो देख सकते हैं। सब में अलग अलग डिजाइन है, पत्ते का डिजाइन सब अलग है और मैं बहुत सारे पत्ते का डिजाइन मैं बताऊंगी, कम से कम 10-12 डिजाइन बताऊंगी। तो ये पत्ता डिजाइन 5 है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे, इसमें 4 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 चैन लेंगे। दोस्तों 4 चैन लेने के बाद फर्स्ट चैन में क्या करना है, आपको लॉक कर देना है। फर्स्ट चैन में इसको अच्छी तरह से मैंने ये क्रोशिया चेंज कर लिया, वो थोड़ा सा मोटा हो रहा था क्रोशिया, इसको यहाँ पर इससे लॉक कर देंगे। क्रोशिया हमेशा भी खरीदेंगे दोस्तों तो कंपनी पोनी का खरीदेंगे, वेस्ट होता है पोनी का, कंपनी का। ये है देखिए 2.5 2.59 mm का है, देखिए। ओके, अब इसमें क्या करना है, आपको लॉक कर दिया धागा को, बीच वाले में क्या करना, जो बीच वाले बीच में कितना घर बनाना है आपको, इसमें एक चैन लेना है, फिर 10 डबल क्रोशिया इसी घर में बनाना है, 10 डबल क्रोशिया। तो आपको एक हो गया, थोड़ा सा ये क्रोशिया फंस रहा है, इसी समय बनाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 7, 8 और ये हुआ 9 और ये 10 चैन, 10 डबल क्रोशिया मैंने बनाया है। फिर पहला चैन वाले में इसे सिंगल स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। देखिए बन गया है, ये दो एक राउंड चैन लिया, दूसरे राउंड मैंने ये कंप्लीट किया। अब क्या करना है, एक चैन लेना है, यहाँ पर एक चैन लेना है। ओके, ये वाले पीछे वाले धागा को खींच लेना है, फिर एक चैन लेना है, थोड़ा सा इस तरह से
ध्यान रखना दोस्तों, चैन में थोड़ा सा इतना ढीला होना चाहिए। एक चैन मैंने इस तरह से लिया, फिर सेम घर में एक सिंगल स्टिच फिर से लेंगे, सेम घर में एक सिंगल स्टिच, ठीक है ना दोस्तों। ओके, नेक्स्ट घर में क्या करेंगे, नेक्स्ट घर में आएंगे तो एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, और फिर इसमें हाफ सेम घर में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, हो गया ना। अब नेक्स्ट घर में जाएंगे तो डबल क्रोशिया लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे, दो और दो एक का, ठीक है ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट घर में जाएंगे तो आपको डबल क्रोशिया लेना है, फिर उसी सेम घर में ट्रिपल क्रोशिया लेना, सेम घर में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया वाले घर में ही ट्रिपल क्रोशिया, आपको ये दो और दो और दो का ट्रिपल क्रोशिया लेना है। ओके दोस्तों, अब फिर लेना, फिर ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट घर में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, दो दो और दो, ठीक है ना। सेम में सेम घर में दो ट्रिपल क्रोशिया जाएगा, सेम घर में दो ट्रिपल क्रोशिया जाएगा। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट में क्या होगा, वन, फिर नेक्स्ट में वन ट्रिपल क्रोशिया जाएगा, फिर से वन ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट घर में वन ट्रिपल क्रोशिया, ओके। फिर उसमें वन डबल, सेम घर में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओके दिखाती हूँ। फिर सेम घर में सिंगल डबल क्रोशिया जाएगा, ओके। 11 घर बन गया, मेरा 12वां घर में होगा फिर क्या, दो डबल क्रोशिया सेम घर में जाएगा, नेक्स्ट घर में दो डबल क्रोशिया सेम घर में जाएगा, एक और दो, ओके। ये मेरा 11 घर गया, 12 में चैन में बनेगा आपका एक डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया सेम में, सेम घर में हाफ डबल क्रोशिया, ओके। फिर उसके बाद फिर करना क्या, हाफ नेक्स्ट घर जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा मेरा हाफ डबल क्रोशिया और सेम जाएगा सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इस तरह से ये पत्ता ये बन गया, और यहाँ पे जा करके चैन में हम लॉक कर देंगे, देखिए इसमें जा करके ये लॉक हो गया, ओके। देखिए ये इस तरह से ही पत्ता का आप यूज कर सकते हैं, ये भी पत्ता का ही काम हो रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ चैन बनाएंगे। पहला घर छोड़ के दूसरा में, देखिए जहाँ पतला होता है वहाँ पर ये कुर्सियाँ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम करता है, तो मैं पतले वाले कुर्सियाँ से यहाँ पे मैं कर लूँगी, इसमें चैन में जाने में आसानी हो जाता है, सिंगल कुर्सियाँ, ओके। सारे में यहां से यहां तक का सारे में सिंगल क्रोशिया बनाना है, ओके। देखिए नेक्स्ट घर में सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट घर में सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट घर में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ आकर के इसको लॉक कर दिए सिंगल क्रोशिया, ओके। मैं ये क्रोशिया ले रही हूँ। अब क्या करना है, इस राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले पहले मेरा ये सिंगल क्रोशिया जाएगा नेक्स्ट घर में, सिंगल क्रोशिया गया,
फिर सेम घर में हाफ डबल क्रोशिया, सेम घर में हाफ डबल क्रोशिया जाएगा। अब देखिए सेम घर में हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया लेंगे बगल वाले घर में। यहाँ हो गया है दोस्तों। अब इसके बगल वाले घर में देखिए कहाँ है, ये जाएगा ये जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल क्रोशिया दिया हुआ, डबल क्रोशिया। ओके डबल, फिर क्या कर डबल को तीन चैन लेंगे, एक दो तो, तीन चैन लेंगे सेम घर में, इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर सेम घर में डबल क्रोशिया बनाना है, सेम घर में डबल क्रोशिया बनाना है। ओके फिर बगल वाले घर में हाफ ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनाना है, हाफ सेम घर में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये पत्ता भी बन गया, पत्ते का रूप ले लिया। फिर नेक्स्ट वैसा ही करेंगे, फिर ये सिंगल है, सिंगल वाले में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ओके उसके बाद फिर डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट घर में डबल क्रोशिया करेंगे। ओके फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तो, तीन चैन लेंगे फिर पहला घर में लॉक कर देंगे। ओके फिर सेम घर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके फिर बगल वाले घर में हाफ डबल क्रोशिया जाएगा, सॉरी हाफ क्रोशिया डबल क्रोशिया तीनों निकल जाएगा, और फिर उसी सेम घर में सिंगल क्रोशिया जाएगा। देखिए दो पत्ते का ये बन गया है। तीसरा वैसा ही करेंगे, यहाँ पर हाफ है ना, तो हाफ डबल क्रोशिया सेम इसी में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर बगल वाले घर में डबल क्रोशिया, तीन चैन, एक दो तीन चैन पहले वाले में लॉक कर देंगे, पहले वाले घर से लॉक करके सिंगल स्टिच से इसको निकाल देंगे। फिर सेम घर में डबल क्रोशिया बनेगा, फिर उसके बाद ट्रिपल हाफ सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट घर में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी में सिंगल क्रोशिया, उसी घर में सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए दोस्तों मेरा ये बन रहा, एक दो तीन पत्ता बन गया, दो पत्ता और बनेगा इसमें। अब क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना नेक्स्ट घर में, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, बगल वाले घर में जाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन, एक दो तीन, फिर पहले से लॉक, फिर उसी घर में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट घर में हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम में सेम घर में सिंगल क्रोशिया। देखिए फिर नेक्स्ट घर में जाएंगे, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, उसके बगल वाले घर में जाएंगे डबल क्रोशिया, तीन चैन, एक दो तीन चैन, उसके बाद इसमें इसको लॉक कर देंगे। फिर सेम घर में जाएंगे डबल क्रोशिया, बगल वाले घर में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ हो जाएगा सेम घर में सिंगल क्रोशिया, उसके बगल वाले घर में लॉक कर देंगे। ओके अब इसको हम धागा काट देते हैं, कटिंग कर लेते हैं धागा को। देखिए इस धागे को बैक साइड से अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर ये दिखेगा धागा। ओके इसी तरह से इसको भी घुमा लेंगे। एक्स्ट्रा ज्यादा रहेगा काट के हटा देंगे। देखिए कितना खूबसूरत
पत्ता ये बन गया है, देखिए कितना खूबसूरत ये पत्ता। किसी भी फ्लावर्स में ये पत्ता आप यूज कर सकते हैं, किसी भी फ्लावर्स में पत्ता इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए किसी भी फ्लावर्स में चारों तरफ ये पत्ता इस तरह से फ्लावर्स बना करके पत्ता आप यूज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, नेक्स्ट फ्लावर्स के साथ पत्तों के साथ फिर आऊंगी डिजाइन नंबर 6 के साथ। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहें और वीडियो 6 भी जरूर देखेंगे, वो अलग तरह का आपको पत्ता सिखाऊंगी। चलिए ओके, बाय, टाटा।